वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें। और इस समय की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रही है। ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाली है। अगर आपने भी कोई कल का कहीं पर जाने का प्लान बनाया है तो इस खबर को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को बाद में कोई किस तरह की परेशानी का सामना करने पर मजबूर होना पड़े। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग कल जो है वो परेशान ना हो। लगातार नए साल पर जो नया हिट एंड रन कानून जो है वो लाया गया है और उसके खिलाफ पूरे देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विरोध जो है वो जारी है। और इस बीच बात करें ऑयल टैंकर्स की तो वो भी जो है वो लगातार हड़ताल पर हैं, और ऐसे में जम्मू शहर में कई सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। लेकिन वहीं चक्का जाम कल जम्मू में होगा या नहीं होगा, चक्का जाम ऐसा कि जो शायद ही कभी आपने सोचा नहीं होगा, यानी कि लोग जो है वो किस तरह से दरबदर होंगे कल, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले की अपडेट आप लोगों तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जम्मू में एक बहुत बड़ा चक्का जाम होगा और जिसका असर पूरे जम्मू डिवीज़न में जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि जम्मू डिवीज़न ही नहीं बल्कि पूरे लखनपुर से लेकर उड़ी तक जो है वो ये चक्का जाम रहने वाला है। और इस बीच कोई भी किस तरह का गाड़ी, जिसमें मेटाडोर हो, बस हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, कोई भी किस तरह की गाड़ी जो है वो कल जम्मू कश्मीर में सड़कों पर नहीं चलेगी। और अगर आपने कल भी किस तरह का कहीं पर भी जाने का कोई प्लान बना लिया है तो उस प्लान को कैंसिल कर लें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में आप लोगों को रास्ते में जो है वो इस तरह से परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़े। दरअसल नए साल के मौके पर नया हिट एंड रन जो है वो कानून लाया गया है, जिसमें कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें लाखों के हिसाब से जुर्माना जो है वो ड्राइवर को होगा, 10 लाख के करीब, और 7 साल के करीब सजा भी जो है वो उसे भुगतनी होगी। लेकिन इसी कानून के खिलाफ देश भर में इस चीज का विरोध जारी है, और जिसके चलते तमाम टैंकर्स की बात करें तो वो पिछले कल से जो है वो हड़ताल पर हैं। और वहीं बसेस की बात करें तो बसेस और मेटाडोर्स जम्मू कश्मीर में चल रही थी, लेकिन कल के दिन कोई भी किस तरह की मेटाडोर और बस जो है वो ऑटो, ई रिक्शा, कोई भी किस तरह की गाड़ी जम्मू शहर में नहीं चलने वाली है, चाहे वो ट्रक हो, टैंकर हो, डंपर हो, ट्रैक्टर हो, या फिर टिप्पर हो, ट्राली हो, ई रिक्शा हो, ऑटो हो, या फिर लोड कैरियर वाली कोई भी गाड़ी हो, या फिर इसके साथ साथ मेटाडोर हो, बस हो, कल कोई भी इस तरह की गाड़ी जम्मू शहर में नहीं चलेगी। सोनू मंडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल हमीद जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अगर आप भी ड्राइवर हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश भर के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम रहने वाली है। और ये कानून सिर्फ टैंकर चालकों या फिर बस चालकों या फिर मेटाडोर चालकों पर लागू होने वाला नहीं है, जो आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं। ये कानून आप सब लोगों पर लागू है जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है। इस समय की ये सबसे बड़ी अपडेट है, और जितना हो सकेगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें कि कल पूरे जम्मू कश्मीर में चक्का जाम रहेगा और जिसका असर पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर से इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है जो कि आप जनता तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल पूरे जम्मू कश्मीर में चक्का जाम रहेगा, जिसमें कोई भी किस तरह की गाड़ी, कोई भी किस तरह की मेटाडोर, कोई भी किस तरह का आटो